A tribute to my father Abdul Rashid Kiani from my fresh poem. Ek shakhs jo lamhon mein pad gaya Quran, ek shakhs jo lamhon mein pad gaya Quran, यही नचोड़ था उम्र का जो पढ़ गया कुरान, यही नचोड़ था उम्र का जो पढ़ गया कुरान। मोहब्बत रास है कल कुछ इस कदर, आखिर ज़िस्त में भी वो पढ़ गया कुरान, आखिर ज़िस्त में भी वो पढ़ गया कुरान, एक शख्स जो लम्हों में पढ़ गया कुरान, यही नचोड़ था उम्र का जो पढ़ गया कुरान। तुम्हें मैं असर हुआ रमजान के माह कुराया, वो तो लम्हों में मुद्दतों का पढ़ गया कुरान, वो तो लम्हों में मुद्दतों का पढ़ गया कुरान, एक शख्स जो लम्हों में पढ़ गया कुरान, यही नचोड़ था उम्र का जो पढ़ गया कुरान। दरसे वहदत का ए अलग सबक था यारो, दर्द आह के तरन्नुम में वो पढ़ गया कुरान, दर्द आह के तरन्नुम में वो पढ़ गया कुरान, एक शख्स जो लम्हों में पढ़ गया कुरान, यही नचोड़ था उम्र का जो पढ़ गया कुरान। मिसले याकूब थे पिसर इस के इर्द गिर्द,
कहने को दुआए नबी और पढ़ गया कुरान। कहने को दुआए नबी और पढ़ गया कुरान। एक शख्स जो लम्हों में पढ़ गया कुरान, यही नचोड़ था उम्र का जो पढ़ गया कुरान। वक्ते नजा भी था वक्ते तक वीर भी उंगली उठा कर भी वो पढ़ गया कुरान। उंगली उठा कर भी वो पढ़ गया कुरान। एक शख्स जो लम्हों में पढ़ गया कुरान, यही नचोड़ था उम्र का जो पढ़ गया कुरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बड़े इंतहाई मोहतरम बड़े भाई अब्दुर्रशीद कियानी साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको साथ मिले जैसे वो दुनिया से कुरान पाक पढ़ते हुए गए हैं। अल्लाह ताला के दरबार से मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी भी पिएंगे और अल्लाह ताला ने ज़रूर उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बागीचा बना दिया होगा। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। उनके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। वो हमारे भाई नहीं थे बल्कि वो हमारे बाप थे। मेरे हाल में मेरी उम्र 5 या 6 सालों की होगी या थोड़ी सी लगभग बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। उसके बाद हमें अल्लाह ने पाला है या फिर इस हमारे बड़े भाई ने हमें पाला है। इंतहाई मेहरबान भाई, इन्होंने वालिद का यदि मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया। इन्होंने इंतहाई शफकत से हमारे सर पे हाथ रखा, अपनी जवानी भूल कर हर तरह के हमारी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के हर वो मेहनत की जो एक शफीक बाप करता है। इंतहाई मेहरबान भाई, बच्चों में इंतहाई पुरखलूस, किसी के घर जाना है बच्चों ने इनके इर्द गिर्द हो जाना है। उनको पता था कि इनके जेब में हर वक्त टाफियाँ होती हैं, हर एक को निकाल के बच्चों को वो टाफियाँ देनी है, बच्चे इंतज़ार में रहते थे। इन्होंने अपनी बीवी के साथ भी इंतहाई हमदर्दाना दोस्ताना माहौल रखा, बच्चों के सर पे हाथ रखा, बच्चों का बहुत ख्याल रखा, उनको पढ़ाया लिखाया और आखिरी दम तक ये मेहनत करते रहे। हमें इनके होते हुए अपने बाप का एहसास बिल्कुल भूल गया था कि हमारे अब्बू जी इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने हमें प्यार ही इतना दिया था, हमारा ध्यान ही इतना रखा था कि हमें याद ही नहीं रहा था कि हमारे वालिद साहब दुनिया से चले गए हैं।